बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। सिगरेट माचिस होते तो दुनिया को आग लगा देता। रात से गानिया त्यागी डायमंड्स पूरे हैं। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता। डायमंड खरीदने वाले हर व्यापारी से कह दो कि वो जिस किसी से डायमंड खरीदे मुझे खबर कर दे, क्योंकि राज पर हमला करके डायमंड लूटने वाला डायमंड अपने पास नहीं रख सकता। पिंगालिया साहब, डायमंड से ज्यादा जरूरी हमारा वो दुश्मन है जिसने राज की जान लेने की कोशिश की। तुम क्या समझते हो मुझे डायमंड की फिक्र है? मेरी असली जायदाद मेरे ये सबूत है। मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई इन बच्चों पर निछावर करके फेंक सकता हूं। डायमंड तो दुश्मन तक पहुंचने का एक जरिया है। मैं उस कमीने की सूरत देखना चाहता हूं जिसने मेरे बच्चे को मेरे सीने से छीनने की कोशिश की है। शमशेर मेरी औलाद की कसम, वो जो भी होगा मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। एक बार अपने जिस्म पर हमला बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मेरे दिल पर जो हमला करेगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। वाह त्यागी वाह, कमाल कर दिया तूने। एंजॉय योरसेल्फ। सिर्फ ये हीरे हमारे बदले की आग को नहीं बुझा सकते, तुम्हारी ये खुशियां ये जश्न बहुत खोखले नजर आ रहे हैं हमें। बहुत कमजोर लोग लग रहे हो तुम, बहुत कमजोर। ऐसा लगता है तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सिंघानिया को परेशान कर सको, उसे बेचैन कर सको, मगर इतना काफी नहीं है। और याद रखो, राज पर हमला करने के बाद तुमने सिंघानिया के सिंहासन को हिलाया है, तोड़ा नहीं है। सिंघानिया के सिंहासन को तोड़कर उसे तबाह बर्बाद करने का ख्वाब देखो। और आइंदा इस घर में तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा जब तक सिंघानिया को हम अपने हाथों से मार नहीं लेंगे। केएलडी बोल रहा हूं। सिंघानिया साहब, आपका शक और अंदाजा दोनों सही निकले। हमारे लूटे हुए डायमंड्स का सौदा आज होराइजन क्लब में हो रहा है। मैं तो जुआ खेलने आया था। अगर तुम जुआ छोड़कर गोलियों का धुआं देखना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। रुपए लाओ,
जेब में डायमंड रखकर रुपयों से खेलना बड़ी छोटी बात लगती है। डायमंड से खेलते हैं। ओके मेरी चाल, एक चाल हमारी भी। इस हीरे की चमक कुछ जानी पहचानी से लग रही है। यूं तो सरकार की बनाई हुई नोटें एक जैसी होती हैं, लेकिन नोटों का मालिक वही होता है जो उन्हें अपनी जेब में रखता है। थैंक यू। मेरे ख्याल है बाजी लंबी करने के बजाय अगर सारे डायमंड एक साथ डाल दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एज यू लाइक। शो मेरा नसीब तो देखो, तीन इक्के जैसे मेरे गुलाम बनकर रह गए हो। तीन इक्के मेरे पास भी। ताश की गड्डी में सिर्फ चार इक्के होते हैं, बाकी के दो इक्के कहां से आए? इसका मतलब तुमने बेईमानी की है। तुम्हारी मकारी से साफ जाहिर है कि डायमंड्स लूट कर मेरे बेटे पर जानलेवा हमला करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। हाँ मैं हूं। क्या कर लोगे तुम? हाँ अच्छा ये क्या कर रहे हो तुम? तुम लोग जानते हो, इस तरह मुंह लटका कर चुपचाप बैठे रहने से भाई साहब की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। निकल जाओ यहां से। चाकू, चाकू, ये क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो तुम। सिंघानिया ने हमारे सर से छत छीन ली है, जानते हो तुम? और हमने क्या किया? ये 20 रुपए का हार लेकर भाई साहब की तस्वीर के ऊपर चढ़ा दिया बस। नहीं, अगर हमारे घर में मातम है तो सिंघानिया के घर में भी शांति नहीं रहेगी। ये हार मैं सिंघानिया की तस्वीर पर देखना चाहता हूं, चाहे हम में से किसी को भी मरना ही क्यों ना पड़े। छीन लो सिंघानिया के घर का सुख चैन, छीन लो उसके घर की एक एक खुशी, छीन लो। देवा मेरी फोटो दे, देवा, देवा मेरी बात मान, फोटो दे दे, देवा बात मान लेना। अरे क्या हो रहा है बाबा? क्या ये बाबा? कहां से मिली? दीदी का डायरी में भी ऊपर। अंजलि, कौन है लड़का? अंजलि मैं तुमसे पूछ रहा हूं, देख अंजू, तूने मुझे पापा को बताने से मना किया था,
लेकिन अब जब उन्हें बात मालूम पड़ी गई है तब सब साफ साफ बता देना ही अच्छा है। डर मत, मैं भी हूं ना साथ में, दोनों मिलकर बताएंगे। पापा, ये हरीश है, इसी की क्लास में पढ़ता है। कब से जानती हूं इसे? जी एक साल से। किसका लड़का है? अनाथ है डैडी, घर बार नहीं है इसका, पढ़ाई भी करता है और काम भी, हॉस्टल में रहता है। यह बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? वो डैडी, मैंने सोचा कि शायद मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। बेटी, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, और मैं खुश हूं कि तूने गरीब खुददार और अनाथ लड़के को अपने जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। यह काम करके तूने मेरी बेटी होने का हक अदा किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं अभी जाकर उस लड़के से मिलता हूं। अभी ओम नमः शिवाय, तुम नमः शिवाय, हम नमः शिवाय, सब नमः शिवाय। हरीश, हरीश, आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। अंजलि के पिता अपने बॉडीगार्ड्स के साथ तुम्हें ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है उसके बाप को तुम्हारे अंजलि के बारे में सब पता चल गया है। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हरीश।
देवा, मैंने अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ा, मैंने नहीं उजाड़ा उसका घर। मैं तो उस लड़के को सीने से लगाने के लिए गया था, लेकिन मेरी तकदीर खराब है। वो लड़का मेरे नाम से, मेरे दबदबे से ही, मैं बहुत जालिम हूं क्या? मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं बेटा। नहीं बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो मेरे लिए नहीं देवा, बेटा मैं सिर्फ इंसान के अलावा मेरे लिए इतना ही बहुत है। सर वो कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। आज हम किसी से नहीं मिलेंगे, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो। लेकिन आज मास्टर जी की बेटी की शादी है और आपने जाने का वादा किया है। बेटी की शादी? चलो कम से कम यह सौभाग्य मास्टर विद्यासागर को तो नसीब हुआ। जाएंगे हम बिटिया की शादी में, जरूर जाएंगे जाएंगे। आओ तुम्हें अपने दामाद से मिला दूं। नहीं, आओ। जीत रहे बेटा, जीत रहे। अंजलि मेरे हाथ से खाना खाएगी। जी नहीं, अंजलि मेरे हाथ से खाना खाएगी। मैंने कहा ना मैं खिलाऊंगी उसे। मैंने कहा ना आपको मैं उसे खिलाऊंगा। वो मेरी छोटी सी प्यारी सी ननंद है, वो मेरे हाथ से। आपकी छोटी सी ननंद होगी लेकिन वो मेरी छोटी सी बहन है, क्यों क्या ख्याल है? चलिए अंजलि खा लो, अंजलि खाओ, मेरे हाथ से खाओ। नहीं, मेरे हाथ से खाओ। भैया मैंने डैडी को बहुत दुख दिया, भैया बहुत रुलाया मैंने उन्हें। इसलिए वो मुझसे रूठ के चले गए भैया। मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी,
I swear. अंजू, मैं उसे माफी मांगना चाहती थी। अंजलि, अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। अंजू, भाभी तुम इसे समझाओ ना। अंजू, अंजू। इधर